नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल करियर अपडेट में। दोस्तों, सामान्यतः साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास करने वाले युवाओं में MBBS, BDS जैसे मेडिकल साइंस की पढ़ाई के लेकर काफी आकर्षण होता है, लेकिन देश में मेडिकल कॉलेज की कमी और सीटों की सीमित संख्या के कारण हजारों युवाओं की सपना टूट जाते हैं जो मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जबकि इस क्षेत्र में MBBS और BDS के अलावा भी तमाम संभावनाएं मौजूद है। इस वीडियो में हम लोग मेडिकल और हेल्थ केयर सेक्टर में मौजूद अन्य विकल्पों के बारे में जानेंगे जिसे अपनाकर करियर को नई दिशा दे सकते हैं। इसे करने के लिए शैक्षणिक योग्यता, संभावनाएं, सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्षेत्र में मौजूद विभिन्न कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं, साथ ही हम लोग इन कोर्सेज की संभावनाओं के बारे में भी देखेंगे। पहला कोर्स है आपका बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BAMS। मेडिकल के क्षेत्र में MBBS या BDS नहीं करने वाले युवाओं के लिए बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। BAMS 5.5 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें 4.5 वर्ष एकेडमी होती है और 1 वर्ष का इंटर्नशिप होता है। भारत में BAMS कोर्स IMCC एक्ट 1970 के अधीन संचालित होता है। इस कोर्स के करने के बाद छात्र फिजिशियन या सर्जन बनने के अलावा अध्यापन और अनुसंधान के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। उसके बाद का कोर्स है आपका बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BHMS। आयुष विभाग द्वारा संचालित होने वाली BHMS कोर्स मेडिकल के क्षेत्र में एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। होम्योपैथिक हमारे समाज की एक प्रमाणित इलाज विधि है, लोगों में इसके प्रति विश्वास है। इस कोर्स की समय अवधि आपकी 5.5 वर्ष की होती है जिसमें 4.5 वर्ष की एकेडमिक होती है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के अंतर्गत फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, होम्योपैथी, फोरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में बताया जाता है। BHMS किया हुआ कोई भी छात्र डॉक्टर के रूप में सरकारी या निजी स्तर पर सेवा दे सकते हैं, चाहे तो मेडिकल कॉलेज में अध्यापन या अनुसंधान के भी कार्य कर सकते हैं। मेडिकल के फील्ड में अगला कोर्स है आपका बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BUMS। भारत में इस कोर्स का संचालन IMCC एक्ट 1970 के तहत आयुष विज्ञान द्वारा करवाया जाता है। यह कोर्स 5 वर्ष की होती है जिसमें 4 वर्ष की एकेडमिक सेशन होता है और 1 वर्ष का इंटर्नशिप शामिल होती है। कोर्स फी की बात करें तो औसतन 1 से 1.5 लाख रुपए तक सालाना कोर्स फी लग सकती है। इसमें नामांकन के लिए छात्र की उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। BUMS करने के बाद छात्र जूनियर यूनानी डॉक्टर, यूनानी थेरेपिस्ट, यूनानी सर्जर, यूनानी साइंटिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। मेडिकल के फील्ड में पशुओं से संबंधित बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का भी कोर्स होता है। वेटरनरी साइंस पशुओं के इलाज से संबंधित होती है। इस कोर्स की समय अवधि 5.5 वर्ष की होती है जिसमें 5 वर्ष का एकेडमिक सेशन होता है और 6 महीने का इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इसे वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के अधीन संचालित किया जाता है। इस कोर्स को करने के लिए छात्रों को औसतन 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की वार्षिक कोर्स फी जमा करनी पड़ती है। कोर्स को पूरा करने के बाद सरकारी स्तर के काम करने के अलावा निजी प्राइवेट क्लिनिक में भी काम कर सकते हैं। कई NGO भी ऐसे डॉक्टरों से सलाह लेते हैं। साथ ही चिड़ियाघरों में भी पशु की डॉक्टर की काफी मांग है। इन कोर्सेज के अलावा भी मेडिकल साइंस में बहुत से कोर्स करवाए जाते हैं। इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल में मिलती रहेगी। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयारी कैसे करें। इसमें से कई ऐसे कोर्सेज है जिसका संचालन प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किया जाता है जिसमें प्रवेश लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना अनिवार्य होता है। एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट के आधार पर नामांकन होती है। इन कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम से मुख्यतः 12वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे तो कॉलेज के संबंधित वेबसाइट से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम के बारे में जहां से आप मेडिकल साइंस के इन कोर्सेज को कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, आयुर्वेद एंड यूनानी टीबिया कॉलेज दिल्ली, गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना। इन संस्थानों के अलावा देश में बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहां मेडिकल से संबंधित कोर्सेज को करवाए जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप MBBS और BDS के अलावा मेडिकल क्षेत्र में मौजूद अन्य कोर्सों के बारे में जान गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ, करियर की नई सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।